नमस्कार। खाली पेट डकारे आने से परेशान है। जैसे ही आप मोशन जाने के बाद फ्री होते हैं, सवेरे सवेरे डकारे आना चालू हो जाती हैं। और डकारे अगर लगातार आ रही हैं, तो उन डकारों का कारण क्या है? गैस बनना। सवेरे सवेरे पेट में गैस भरना चालू हो जाती है। और ये भरी हुई पेट की गैस जो है, ये अगर आपने इसको समय से मैनेज नहीं किया, तो फिर ये आपके गर्दन में जकड़न और सिर में भारीपन और सिर में दर्द कराने का कारण बन सकती है। तो आप अगर इन सवेरे सवेरे की डकारों से बहुत परेशान हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को अगर आप करते हैं, तो ये डकारे आना आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा। सबसे पहले डकार आना। तो डकार का मतलब क्या होता है? डकार का मतलब है जो गैस आपके आमाशय में बन रही है, वो गैस जो है जब यहां से होते हुए ऐसे मुंह से निकल के बाहर आए, इसी को तो डकार बोला जाता है। और ये गैस जो है, जब यही गैस ऐसे एनस से निकल के बाहर आती है, तब इसको फार्ट बोला जाता है। बाया एनस गैस को निकल गैस निकल के बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये जो डकार आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि आमाशय में यहां जो भी आपने शाम को रात को कभी भी जो भी खाया था, वो अच्छे तरीके से पचा नहीं, और उसके अपचन की वजह से आमाशय में ही गैस भरना चालू हो गई थी। और आमाशय की दीवारों पर कुछ थोड़े से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आना चालू हो गए थे, जिसकी वजह से सवेरे सवेरे ये जो इसमें भरा हुआ था ये तो निकल गया, लेकिन जो दीवारों पर चिपका हुआ था ये अच्छे तरीके से धुल नहीं पाया। और वो नहीं धुल पाया, वो थोड़ा चिपका हुआ भी जो है वो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन करा रहा है। और अगर वो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है, तो गैस जो बन रही है बार बार करके, ये LES जो बोला जाता है, ये ओपन होता है और गैस ऐसे डकार के रूप में बार बार निकल के बाहर आ रही है। अगर ये गैस निकल के बाहर आना रुकती है, अगर ये LES बंद हो जाता है, तो फिर ये पेट फूलना चालू हो जाएगा। और जैसे ही पेट, अगर डकार आना बंद हुई, पेट फूलना चालू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि पेट भी ना फूले और ये डकार भी ना आए। इसके लिए आवश्यक है कि यहां पर गैस बनना बंद हो। अब बनना कब बंद होगा? जब इस आमाशय की अच्छे तरीके से आप धुलाई कर दोगे। तो धुलाई करने के लिए आपको क्या क्या करने की आवश्यकता होगी? सवेरे सवेरे की जो डकारे हैं, इसमें आप सबसे पहले, पहला जो इलाज है वो रात का होगा। और रात का क्या होगा कि जो डिनर है, उस डिनर को आप कैसे भी करके 7:30 बजे के पहले पहले कर लीजिए। डिनर जो है वो 7:30 बजे के पहले पहले हो जाए। और डिनर के बाद आप थोड़ी देर वज्रासन में बैठ करके, बेशक 5 मिनट वज्रासन में बैठें, उसके बाद फिर आप 20 मिनट, अगर 20 मिनट ना हो पाए तो बेशक 10 मिनट ही, लेकिन थोड़ा चहल कदमी जरूर करिए। एक कहावत आपने सुनी होगी कि आफ्टर लंच रेस्ट फॉर अ वाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक फॉर अ माइल। तो अगर आप थोड़ा चल लेंगे, तो निश्चित ही जो भोजन आपने किया है वो भोजन पचना चालू हो जाएगा। अब ये पहला हो गया। पहला तो नियम ये है, इतनी चीजें आपको इसमें करनी है। अब इसी डिनर में, इसी भोजन में एक और चीज होती है कि वैसे तो जब भी खाएं तब बहुत चबा के खाना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली शाम का खाना जो है, वो खाने को पिए बिल्कुल ऐसे खाएं जैसे खाना बिल्कुल आपने मुंह में ही बिल्कुल जूस बना दिया उसका, और वो खाना जूस के फॉर्म में नीचे उतर के जाना चाहिए। डिग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स जो है, आपको जबरदस्ती निकलने की जरूरत ना, ऐसे करने की जरूरत ना पड़े। हमारी आदत क्या हो गई, हम इतनी जल्दी में खाते हैं दोनों तरफ से, इससे रोटी सब्जी खाई, इससे फल खा लिया, फिर इससे सलाद भी मुंह में भर दिया, और फिर अगर नहीं अंदर की तरफ जा रहा है तो पानी का घूंट लेके उसको अंदर ठूंस दिया। ये बड़ी गड़बड़ है। खाने को क्या करना है, खाने को पिए,
खाने को इतना चबा दें कि बिल्कुल चबा चबा के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद अगर नीचे की तरफ जाएगा आमाशय में, तो उस खाने का पाचन अच्छे से होगा, और वो जब पाचन अच्छे से होगा तो फिर वो खाना पूरा का पूरा, जो पाचन अच्छे से हो गया तो वो नीचे जाना चालू हो जाएगा, और नीचे जाकर के आंतों में से अवशोषण होकर के उसका फिर वो लिवर की तरफ जाएगा, फिर वो लिवर से प्रोसेस होकर के आपके खून के साथ पूरे शरीर में ऊर्जा देने का काम करेगा। कब करेगा? जब बहुत अच्छे से चबा करके खाया जाएगा। तो अगर आपको ये सवेरे सवेरे की डकारों से निवृत्ति चाहिए तो बहुत आवश्यक है डिनर जल्दी, और डिनर को बहुत चबा करके, वैसे तो जब भी खाया जाए चबा के खाया जाए, इसको नोट करके रख लीजिए। अब बात आती है कि ये तो हो गई शाम के खाने की बात, अब बात आई कि रात को सोने के कम एक घंटे पहले आप सब कुछ खाना बंद कर दीजिए। रात को सोने के, जैसे अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 9 बजे के बाद सब कुछ खाना बंद कर दीजिए, पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सोने के पहले तक खाएंगे, कुछ भी आप पेट में डालेंगे, तो फिर वो पेट में पड़ा रहना चालू हो जाएगा। इसलिए आप सोने के एक घंटे पहले तक खाना पीना, जो भी है खाना नहीं पीना, पीना खाना तो कम से कम 3 से 3.5 घंटे पहले, इसका अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली सवेरे सवेरे ये डकारे हैं। अब लोग कहते हैं कि डकारों के लिए आप तो ये बता दो कि इलायची पानी में घोल के पी लो, वो इलाज होता है, ये आप क्या बता रहे हो? क्योंकि इलाज यही है, इलाज इसी से होगा, जो बाकी सिम्टोमेटिक रिलीफ है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, वो आप जैसे डकार ज्यादा आ रही है आप कोई डाइजीन ले लो, या डकार ज्यादा आ रही है आप पीपीआई ले लो, डकार ज्यादा आ रही है आप कुछ ऐसा एंटासिड जेल ले लो, उससे आराम हो जाएगा। लेकिन उससे तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होगा कि अभी हो गया है, अभी आपका ठीक हो जाएगा, कल सवेरे फिर होगा। यहां ये अगर सुधार लोगे तो फिर 1-2 दिन तक बेशक होता रहेगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद होना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखा जाए। इसके बाद अब ये शाम का काम खत्म हुआ, अब हम देखेंगे कि सवेरे क्या करना है। तो सवेरे जैसे ही जागे, कोशिश करें कि सवेरे थोड़ा जल्दी जागे, क्योंकि कहा जाता है कि जल्दी अगर कोई जागेगा, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वास्थ्य रक्षार्थ मायुषः, स्वस्थ शरीर अगर रखना है तो डेफिनेटली आपको सवेरे सवेरे जल्दी जाग जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। यह हो गया। अब जैसे ही जागे तो जागते ही कम से कम 2 से 3 ग्लास सादा पानी पिए। ये जो है ये सादा पानी आपके आमाशय को धोने का काम करेगा, और आमाशय अगर सही तरीके से धुल जाएगा तो डेफिनेटली ये मान लीजिए कि ये पूरा आमाशय अच्छे तरीके से धुला हुआ, खंगला हुआ, साफ होगा, धीरे धीरे करके सवेरे गैस बनना पेट में बंद होना चालू हो जाएगी। एक तो ये हो गया जागते ही पानी पी लिया। अब पानी पी करके 10 मिनट रुकें, और 10 मिनट रुकने के बाद फिर मोशन जाएं, और मोशन जाने के बाद मंजन कर लिया। मंजन करने के बाद ऑयल पुलिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपकी ये गैस बनना बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। और उसके बाद ऑयल पुलिंग करने के बाद थोड़ा नाक में घी डाल के नस्य करके, ये मॉर्निंग रूटीन में आता है, ये शेड्यूल्ड है। जैसे लोग रोज सवेरे जग के मोशन जाते हैं, ब्रश करके नहा धो के फिर ऑफिस जाते हैं ना, यही रूटीन रह गया लोगों का, अब ये तो सब भूल गए। तो जगना है, पानी पीना है, फिर 10 मिनट रुकना है, फिर मोशन जाना है, फिर मंजन करना है, फिर ऑयल पुलिंग करना है, फिर तेल को थूक करके कुल्ले गरारे करने हैं, फिर नाक में घी डालना है, फिर व्यायाम करना है, उसके बाद फिर स्नान करके, उसके बाद अब यहां ये कर लिया, नश्य कर लिया। अब नश्य के बाद जिनको डकारें आती हैं सवेरे सवेरे, व्यायाम के पहले वो कुछ खा लेंगे। अब व्यायाम के पहले जिनको डकारें आती हैं उनको क्या खाना चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि वो सौंफ और मिश्री का पानी ले लें। जैसे ही सौंफ और मिश्री का पानी लेना चालू करेंगे, 1-2 दिन के बाद ये डकारें आना बिल्कुल बंद हो जाएंगी, क्योंकि पेट साफ भी हो गया, हमने खाना भी अच्छा खाया था, हमने अच्छे तरीके से चबा के भी खाया था, अब वो सवेरे सवेरे हमने पेट की सफाई के लिए पानी पी लिया, फिर ऑयल पुलिंग कर ली, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बढ़ा दिया, नीचे की तरफ गैस का मूवमेंट बढ़ा दिया, डकारें आना बिल्कुल बंद हो जाएंगी। इसके बाद पूरे दिन में आपको अच्छे तरीके से पानी पीना है, कम से कम 3 लीटर के आसपास पानी पूरे दिन में पिया जाए, सवेरे थोड़ा व्यायाम जरूर किया जाए, शाम के भोजन के पहले थोड़ा व्यायाम कर लिया जाए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को थोड़ा फॉलोअप
पर ज्यादा ना रखा जाए, इसका ध्यान रखें। बाहर की जो चीजें हैं, मैदे से बनी जो चीजें हैं या फिर जो आपके दूध से बनी हुई मिठाइयां हैं, उनको अवॉइड करना चालू कर दीजिए। यह आपकी समस्या जड़ से खत्म होना चालू हो जाएगी।